अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सितारा फैशन SKR। ऑल व्यूअर्स, आज हम आपके लिए नेक डिज़ाइन लेकर आए हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। व्यूअर्स, आपने सिंपल कुर्ते की कटिंग कर लेनी है, उसके बाद आपने फ्यूजिंग बुकरम लेना है, ये देखें इस तरह से। उसके बाद आपने ये गोल आर का कटिंग करना है। इसका मैं आपको साइज़ बताता हूँ, ये देखें 1.5 इंच ऐसे है ये, और ऊंचाई में है 0.25 इंच। इस तरीके से आपने निशान लगाने हैं, देखें 1-1 इंच पे, और लेंथ आपने रखनी है 11 इंच। 11 इंच आपने लेंथ रखनी है। उसके बाद व्यूअर्स, इस लाइन को आपने ड्रॉ कर लेना है। और नीचे से आपने हल्का सा वी शेप में लगा लेना है निशान। उसके बाद व्यूअर्स, आपने ये जो आर का कटिंग करा है उसको इस तरह से रखना है, और फिर आपने ऐसे निशान मार्किंग इसकी कर लेनी है। ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी मार्किंग करनी है व्यूअर्स, और मार्किंग करने के बाद इसको कर लेंगे कट। ये देखें साइडों से तकरीबन 1/2 इंच 0.25 इंच छोड़ के आपने काटना है। उसके बाद आपने लाइन के हिसाब से काटना है, जो मार्किंग करी है उसी मार्किंग के हिसाब से आपने इसको काटना है। ये देखें इस तरीके से गोलाइयों के हिसाब से काट लें सारे को। ये देखें ये मैंने कट कर लिया है व्यूअर्स। उसके बाद व्यूअर्स, मैंने एक और फ्यूजिंग ली है, उसके ऊपर सबसे पहले आपने सीधा निशान लगाना है, और उसके बाद व्यूअर्स आपने 3.25 इंच पे निशान लगाना है चौड़ाई का, और 4.5 इंच आपने लंबाई पे निशान लगाना है। इस तरीके से आपने इसकी मार्किंग करनी है। उसके बाद व्यूअर्स, आपने गले की गोलाई दे लेनी है अच्छी सी, और इसको भी कट कर लिया है मैंने। उसके बाद आपने इसको सेंटर में से भी कट कर लेना है, 2 हाफ़ पीसीज आपने इसके कर लेने हैं। इसको अभी हम चिपका लेंगे। ये देखें ये मैंने कंट्रास्टिंग के लिए जो कपड़ा लिया है उसके ऊपर चिपकाया है, और ये वाला मैंने कमीज़ के ही कपड़े पे चिपकाया है, और ये दोनों गले भी मैंने चिपका लिए हैं। उसके बाद ये फ्यूजिंग मैंने चिपकाया है कंट्रास्टिंग के लिए, इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 3.5 इंच, और इसकी लेंथ मैंने रखी है 10.5 इंच। उसके बाद आपने इस तरह से इसको डबल कर लेना है। ये जो व्यूअर्स हमारा पैटर्न है जो अंदर से निकला था, इसको आपने यहाँ पे चिपकाना है। ऐसे ही कोई भी आप कंट्रास्ट कर सकते हैं, उस कंट्रास्टिंग वाले पीस के ऊपर आप इसको चिपका लें। ये जस्ट आपने थोड़ा सा ही चिपकाना है, क्योंकि बाद में इसे हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद व्यूअर्स, ये मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है, ये सीधी कटिंग करी है मैंने, और दूसरा ये मैंने पीस लिया है, ये भी मैंने सीधी कटिंग करी है, ये पट्टी ली है मैंने दूसरी भी। अभी हम मशीन पे चलते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे नेक की चौड़ाई। हमने 3.25 इंच नेक रखा है, तो हम यहाँ पे इसकी चौड़ाई लगाएंगे, और इधर लगा देंगे एक कट। इस तरह से आपने कट का लगा लेना है। उसके बाद व्यूअर्स, ये वाला जो पीस है इसका जो साइडों वाला कपड़ा है ये आपने फोल्ड कर लेना है। ये देखें ये मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया है, और उसके बाद आपने फ्रंट लेना है, 4 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद व्यूअर्स, ये वाला जो हमारा पीस है इसको हम रखेंगे इधर से, आपने सेंटर से सेंटर मिला के रखना है, और बिल्कुल आपने सेंटर में सिलाई चलानी है। इस
तरीके से रिवर्स बिल्कुल आपने सेंटर में सिलाई लगानी है। नीचे तक सिलाई लगाने के बाद अभी आपने इसको घुमाकर बुकरम के बराबर बराबर सिलाई को चलाना है, क्योंकि हमने इसके ये जो आर्के हैं ये पलटाने हैं इसके अंदर, तो इसी वजह से आपने ये बराबर बराबर सिलाई को चलाना है और थोड़ी थोड़ी करके सिलाई लगेगी ये इस तरीके से। आप इसको लगाइएगा व्यूअर्स, ऑल व्यूअर्स हमारी बनाई गई वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करा करें। ये देखें ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है व्यूअर्स, अभी आपने बिल्कुल सेंटर में से इसको कट कर देना है। और नोकों पे आपने इस तरह से कट लगा लेने हैं। उसके बाद व्यूअर्स आपने इनको पलटा लेना है। ये देखें इसको आपने रॉन्ग साइड पे फोल्ड कर देना है। जितने भी ये आर्के हमने बनाए हैं इसके अंदर हम इसको पलटा के रॉन्ग साइड पे इसको फोल्ड कर रहे हैं। ये देखें इसके ऊपर व्यूअर्स प्रेस लगा लेंगे। उसके बाद जो ये वाला पीस है हम इस पट्टी को तैयार करते हैं। आपने आधा इंच रखना है और इसको आपने इस तरह से रखना है डबल करके, ठीक है। हम इसको इस तरह से बनाएंगे कि हमारी जो है एक पतली सी पाइपिंग सेम कलर वाली पट्टी में निकल आए। इस तरह से आपने एक सूत पे सिलाई चलानी है, बिल्कुल एक सूत पे, ठीक है। एक सूट पर चलाएंगे तो ये आपकी इस तरह से देखें निकलेगी। उसके बाद आप इसको इस तरह से प्रेस से बिठा लें। तो ये नेक पे भी मैंने प्रेस लगा लिया व्यूअर्स। उसके बाद आपने इसको सिलाई लगाकर पैक कर देना है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर तुरपाई कर सकते हैं, वैसे इसके अंदर तुरपाई की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिलाई आप लगाएंगे तो उससे आपको आगे का जो हमारा प्रोसेस है उसका भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इस सिलाई से सीधी तरफ मार्क आ जाएगा सिलाई का, तो आपको जो आगे मज़ीद डिज़ाइनिंग करनी है उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स ये वाला जो हमने पीस तैयार किया था अभी हम ऐसे इसको रख लेंगे गोलाइयों के हिसाब से। और जो सिलाई हमने लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर आपने एक और सिलाई लगा देनी है और नीचे वाला पीस इसके साथ अटैच कर देना है। और जो है ये आर्के आप इसी हिसाब से जब रखेंगे तो ये बिल्कुल सेटिंग में आएगा। यहाँ पर शुरुआत में सिलाई को पक्का करें और उसी जो हमने अंदर पैटर्न चिपकाया है उसी के हिसाब से आप इस सिलाई को कंप्लीट कर लें। और जो पहले सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर आपने एक और सिलाई लगा देनी है, इससे नीचे वाला पीस आपका काबू हो जाएगा। ऑल व्यूअर्स अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लें। ये देखें इस तरह से ये हमारी लग चुकी है। उसके बाद जो ये वाली पट्टी है ये मैंने प्रेस लगाकर इसको अच्छे से बिठा लिया है। अभी आपने जो सिलाई लगाई थी उस सिलाई को इसके नीचे छुपा देना है, ठीक है। और इसके वन साइड पे सिलाई लगाएंगे फिलहाल।
ये देखें इस तरीके से जो नीचे वाली सिलाई है वो इसके नीचे छुप जाएंगी, जो भी सिलाइयाँ हमने पहले लगाई हैं वो इसके नीचे आपने छुपा देनी है। ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ आकर आपने नोक बना लेनी है, नोक बनाकर इसको घुमा लेना है। ये देखें इस तरह से, इसके अंदर वीवर्स थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो नोक के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपने इसको अच्छे से सेटिंग करके फिर आपने सिलाई को चलाना है। फ़ैन की वजह से वीवर्स बहुत ज़्यादा ही कपड़ा उड़ रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो फ़ैन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको डिज़ाइन समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। लेकिन मुझे बनाने में बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि ये बार बार कपड़ा उड़ के मुझको तंग कर रहा है। फ़ैन अगर बंद कर देंगे तो गर्मी, उसी वजह से भी बस फ़ैन को भी चलने दो और काम भी अपना चलने दो। इस तरीके से ये वाली जो नोक है इसको भी हम बना लेते हैं अच्छे से, और वापस से आपने सिलाई को ऊपर की तरफ ले जाना है और दूसरी वाली सिलाई पे साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें ये दोनों सिलाइयाँ जो हैं वो मैंने ऐड कर ली हैं, इस पीस को हमने इसके साथ अच्छे से अटैच कर दिया है। उसके बाद व्यूअर्स बारी आ जाती है नेक की। ये वाला जो कपड़ा है ये मैंने फोल्ड कर लिया है इसके ऊपर भी। हमने सबसे पहले जो कुटका लगाया था ये हमारे गले की थी चौड़ाई, अभी हम इसको इस तरह से रखेंगे सेट करके बिल्कुल। नीचे से भी आपने इस तरह रखना है कि गले का सेंटर जो है, क्रीज जो है वो बिल्कुल सही आ जाए, जो फ्रंट का सेंटर होता है वो बिल्कुल सही आ जाए। ये देखें इस तरह से मैंने लगा लिया है दोनों साइडों पे। अभी आपने थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के कट करना है। और व्यूअर्स यहाँ पर आपने गले के अंदर कट लगा लेने हैं इस तरीके से। उसके बाद आप इसको रॉन्ग साइड पे पलट दें और किनारे पे सिलाई लगा लें, या आप इसके ऊपर प्रेस लगाकर अच्छे से इसको प्रेस से बिठा लें। ये देखें व्यूअर्स एंड में आके मैंने पक्का कर लिया है कितना इजी सा है डिज़ाइन। तो व्यूअर्स ये देखें ये हमारा खूबसूरत सा नेक जो है वो, तो व्यूअर्स ये देखें हमारा अच्छा सा नेक बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ये देखें व्यूअर्स कितना प्यारा सा डिज़ाइन लग रहा है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमको बताइएगा आपसे कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।